मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम है। करनाल एयरपोर्ट से रवाना होकर पहुंचेंगे जुंडला, अनाज मंडी, रामलीला मैदान, जुंडला में करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा के बाद जुंडला से भिवानी के लिए रवाना होंगे गोपाड़ा गांव, तो शाम भिवानी में करेंगे चुनावी जनसभा। जनसभा को संबोधित करने के बाद महेंद्रगढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम। अनाज मंडी नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। वहीं नांगल चौधरी हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है हरियाणा में और सीएम का दौरा कई मायनों में खास भी माना जा रहा है, फिलहाल क्या तैयारियां और क्योंकि मुख्यमंत्री आज जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है और इसी क्रम में देखा जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी दे रखा है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कहा जा सकता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए कल भी जो है हरियाणा दौरे पे थे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, कई जनसभाओं को संबोधित किया और आज भी हरियाणा में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी एक एक विधानसभा सीटों को कहा जा सकता है कि जैसे कि 90 विधानसभा सीटें हैं तो एक एक विधानसभा सीट पर इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया है कि कहां पर क्या स्थिति है, कितने मतदाता है और किस नेता का यहां पर सबसे अधिक प्रभाव है। तो ऐसे में जनमानस को बीजेपी से जोड़ने के लिए, बीजेपी के उम्मीदवारों के फेवर में मतदान कराने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने सभी नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। इसी क्रम में देखिए मैं भजनलाल शर्मा लगातार प्रचार कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित किए थे और आज भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखिए कल जिस तरह से उनका जो सुबह का जनसभा था उसमें जिस तरह से भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी उससे लग रहा है कि भजनलाल शर्मा की लोकप्रियता सबसे अधिक हरियाणा में देखने को मिली है दूसरे नेताओं की अपेक्षा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद जताई थी वो पूरी उम्मीद होती हुई नजर आ रही है। तो आज भजनलाल शर्मा जी का जो कार्यक्रम है उसमें जनमानस से क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ अपील करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है और चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है, बीजेपी ने भी कमर कस ली है। राजीव, आज कितनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं राजीव मुख्यमंत्री? देखिए अगर देखा जाए तो भजनलाल शर्मा जी आज भी लगभग विधानसभा सीटें हैं सबको लेकर सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है उनकी। अगर देखा जाए तो करनाल में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है और ऐसे में भजनलाल शर्मा जी का मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवारों चलिए राजीव आपकी क्योंकि ठीक है चलिए राजीव बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।